एकदम तो बढ़िया नु बुलाड़े बाल मुकंदे अरे इस मुंडा मुने ना बुलाइए मुंडा बोल लगा अरे छप्पन भोग लागेंगे जागरण में यो ना बुलाइए तो ये भाई ब्याह के गीत सारे सच्चे ना होंगे अरे यो मनोरंजन पूरा हो जाएगा सिलेंगे खास लेंगे क्यों ताऊ अर ताऊ तो अपने बीच में रंगीला भी बैठा है सुसराड़ गया था ने जब ईशा रंगीला था इसकी साई नू बोली आजी चाची ले तेरी पिंडी दाब दू नू बोलिया यार बड़ी सेवाली साड़ी है दाब दे और वो पिंडी तो एक बार दाब की फेर बोली साड़ी आज जा ले तेरे गोड्डे भी दाब दू नू बोलिया है रे के कहने गणी सेवा भाव की है और गोड्डा पता आंधी आंधी आके सतड़ा पाली नू बोली आज जाकर तो आपकी सतड़ भी दाब दू नू बोलिया रे या के कण की बहुत सकर देख चाई और वो सतड़ पर दो एक मुट्ठी भरी करंट हाया जब नू बोला एकदम तब उड़ा भी नू बोला कि मैं आके ने भी हाथ ले जाके के को सतब रहा है तो ये रंगीले चुटकले हैं इनकी कोई फैक्ट्री को नहीं अपने हरियाणा में एक एक लड़की की रिश्ता ले आए जब वो लड़की का पिताजी ने बोला हमारी छोरी की कंडीशन है बोला के कंडीशन है बोला हमारी छोरी घर आ रहा होगी मारी छोरी घर आ रहा होगी पर घर का काम को नहीं करे उसने सोची ले वही कोई बात ने घर तो रहेगी नो बोला हा बोला दूसरी कंडीशन के है बोला दूसरी शर्त यह है मारी छोरी रसोई में चली जाएगी रसोई का काम को नहीं करे कड़ुआ कड़ुआ लखा छोरा का बाबू बोला और यह कंडीशन है मारी छोरी खेत में चली जाएगी खेत का काम नहीं करेगी नो बोला अच्छा बोला और के कंडीशन बोला मारी छोरी देखे डारा में पड़ जाएगी भैंसाड़ा में लेकिन भैंस का काम को नहीं करे वो छोरा का बापू भी नू बोला एकदम तनू बोला भाई नू बता मारा छोरा कन्ने दे तो देगी किया भी हमने देनी पड़ेगी